ये नेचर अच्छा है यहाँ का, नेचर इंडिया अच्छा से है। बहुत बढ़िया ही है, बल्कि ठंड भी बहुत कम है। इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड है इस टाइम। अच्छा, इंडिया हाँ में ज्यादा जी, ठंड है। हाँ हाँ एक्चुअली मेरा भी बहुत टाइम हो गया है वहां पे गया हुआ, तो नहीं मुझे भी इंडिया में उतना काफी ज्यादा ठंड होती है यहाँ के मुकाबले, यहाँ के मुकाबले। और बंदे भी अच्छे हैं ये सारे, बट ऐसा बढ़िया नहीं है। है यहाँ पे भी ठंड, लाइक आपको जनवरी फरवरी में ज्यादा देखने को अभी मिलेगा। तो मे देखी बी नहीं, अभी क्योंकि जनवरी थोड़ा कम फरवरी है। में हाँ देखे हैं कितनी होगी जी। अभी तो बहुत ठीक है, मतलब इतना वो नहीं है मौसम यहाँ पे, हाँ ठंडा इतना। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो है मैं एक फिर से जो है नया वीडियो लेके आ गया हूँ। और ये भाई जो आप देख रहे हैं ये करेंटली जो है माल्टा में है, और ये जो है स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आया हुआ है। तो आज के वीडियो में जो है हम जानेंगे इस भाई ने इंडिया से लाइक स्टूडेंट वीजा कैसे अप्लाई किया, उसका फीस कितना है, लाइक कोर्स कौन सा है, उसका ड्यूरेशन कितना है, सारी चीज़ जानकारी जो है आपको इस वीडियो के थ्रू जो है मिलेगा। वेल, उसको बताने के लिए जो है हमारे साथ में अजमेर भाई है, और इनसे जो है सारी जो है हम लोग जानकारी जो है लेंगे। तो अजमेर भाई, जो आपको नहीं जानते हैं उनके थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, लाइक आप कहाँ से हो इंडिया में, और आपका आपका नाम तो बता ही दीजिए। ठीक है भाई, हेलो भाई, सबको राम राम और नमस्ते। मेरा नाम नमस्ते। अजमेर है भाई, और मैं करनाल हरियाणा से हूँ। मेरा ओके गांव का नाम बजिद्दा जटान है। और भाई मैं 26 नवंबर को यहाँ पे आया था माल्टा में, मेरे को तकरीबन 1 महीना हो गया भाई आज यहाँ पे। ठीक है जी, और मैंने एक एजेंट के थ्रू अपना वीज़ा करवाया था, अपनी फाइलिंग सबमिट करवाई थी। तो मेरे को, मैंने अपना मार्च में अपना फाइल लगवाई थी, तो मेरा बहुत टाइम लग गया था भाई वीज़ा आने में। मेरे को लग गए थे भाई, मेरा वीज़ा अक्टूबर में आया था। अक्टूबर में आया हाँ था। भाई, अक्टूबर में आया ओके था, तो मैं नवंबर में आया हूँ यहाँ पे। मेरे को 1 महीना लेट ही हो गया था, मेरा वीज़ा 2 नवंबर से स्टार्ट था, तो मेरे को बहुत लेट, वो मेरा जो ट्रैवल लेटर होता है वो बहुत लेट मिला हाँ, वो तो कॉलेज है। लाइक हाँ उसके जी, ऊपर डिपेंड करता है वो इशू कॉलेज की वो। तरफ से थोड़ा इशू था, तो वो हो गया था, फिर सोल्व हो गया था वो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे को अपना मिल गया था ट्रैवल लेटर, फिर मैं 26 को मैं यहाँ पे आ गया था। मेरे को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई आने में, सब ठीक है, सब ओके है यहाँ ओके। तो पे। आप जो है लाइक इंडिया से जब स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था, हाँ जी, तो लाइक आप एजेंट से अप्लाई किया था हाँ राइट? जी, एजेंट से किया तो था। उसमें लाइक क्या पेपर लगता है, ये सारा चीज जो है वो लोग खुद अरेंज किया होगा, तो इसके हाँ जी, बारे हाँ में जी, जो वो है। सब अपने आप ही करवाते हैं जी सारा कुछ। ठीक है जी, जैसे फंड वगैरह हो गए, ये मेन होते हैं। अगर आपके पास अपने फंड हैं तो आप अपने दिखा सकते हो, नहीं तो एजेंट की मदद ले सकते हो आप। वो लोग मतलब हाँ कि जी, हाँ आपको जी, हेल्प करेंगे। वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी, सब ओके, चीज़ों का सलूशन होता है, सब उनके पास, कोई तो दिक्कत आप नहीं जो है। है माल्टा में लाइक कौन सा कोर्स करने के लिए आए हो? मेरे कोर्स का नाम है जी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड साइंस। फूड साइंस। ओके, हाँ जी, उस कोर्स का जो है ड्यूरेशन कितना है? 1 ईयर है जी, 1 ईयर। एक साल। ओके, उसका लाइक फीस कितना है? फीस उसकी तकरीबन है जी 7500 यूरो है। 7500 यूरो। यस, आ वो हाँ तो जी, लाइक 1 ईयर का ही कोर्स है सबकी। आपका, हाँ जी, हाँ तो जी, पचास इतनी है तकरीबन यहाँ पे। ऑलमोस्ट। हाँ लाइक कोई भी कोर्स लेंगे तो ऑलमोस्ट जो लाइक हाँ जी, हाँ फी जी, है सेम ही है। इतनी है जी तकरीबन सबकी। हाँ ओके। तो आपका जो है लाइक एजेंट लाइक प्रोसेसिंग जब स्टार्ट किया, उस वहां से लेकर के माल्टा में लैंड करने तक जो है आपको लाइक कितना वो लोग चार्ज लिया था कंप्लीट मेरे, फीस, फीस छोड़ के, क्योंकि फीस कॉलेज फीस तो आपको पे हाँ करना जी, ही हाँ है। जी, मेरे स्टार्टिंग में मेरे लग गए थे जी VFS तक 1,15,000 तक मेरा खर्चा आ गया था। 1 15 तक। हाँ जी, ओके स्टार्टिंग स्टार्टिंग का, क्योंकि फंड भी इनमें, फंड भी हैं, उन्होंने मेरे फंड भी शो कराए थे। अच्छा, उन्होंने कराया था। हाँ जी, ओके एजेंट ठीक है, मेरा अच्छा एजेंट है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है जी, अच्छे नेचर के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना जो, मेरे से कोई अभी पूछता भी है कि भी कहाँ से काम करवाया है, हाँ। ठीक है जी, मैं उनका नाम ले देता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगा हाँ तो जी, ऑफकोर्स लाइक बहुत सारे एजेंट हैं हाँ लाइक भाई, जो जो बोलते अच्छा हैं सर्विस वो देता है, करते हैं, ठीक है, करते हैं। और जो हाँ बोलते हैं वो कुछ करते नहीं है। करते नहीं। हाँ हाँ, बहुत मेरे ऐसे। वाले ने जो बोला है मेरे को मिला है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये भाई है, जैसे मेरा भाई है सोहिल, मेरे को बाद में पता लगा कि भाई ये यहीं पे है, तो मैंने फिर बाद में इनसे कॉन्टेक्ट हुआ मेरा। मैं पहले अपने जो कॉलेज से मेरे बच्चे आए हुए यहाँ पे, जो वहाँ से सेंटर से, लाइक आपका जो भी नॉन है लाइक हाँ, दोस्त वगैरह। हाँ, जिस एजेंट ने मतलब यहाँ पे बच्चे भेजे थे, वो ही मेरे को लेने आए थे एयरपोर्ट पे। अच्छा, हाँ, उन्होंने तो मेरे को अपने पास रखा, तो मेरे को सोहिल का पता चल गया था, तो मैं इसके पास आ गया था फिर। ओके। तो हाँ जी, आपको मतलब कि लाइक कोई ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला नहीं, बिकॉज ऑफ द गुड एजेंट राइट? हाँ, गुड एजेंट है जी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हाँ है। ओके हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ही रहे जी तकरीबन ओके। सब। तो अभी तो आप करेंटली माल्टा में हो, हाँ तो जी, लाइक माल्टा का माहौल कैसा, आपको कैसा लाइक लग रहा है? माहौल तो ठीक है जी, बढ़िया है, बाकी ये नेचर अच्छा है यहाँ का, नेचर अच्छा इंडिया से है। बहुत बढ़िया ही है, बल्कि
ठंड भी बहुत कम है, इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड है इस टाइम। अच्छा, इंडिया में ज्यादा ठंड है। एक्चुअली मेरा भी बहुत टाइम हो गया है वहाँ पे गया हुआ तो। नहीं, इंडिया में काफी ज्यादा ठंड होती है यहाँ के मुकाबले, यहाँ के मुकाबले। और बंदे भी अच्छे है ये सारे, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे भी ठंड लाइक आपको जनवरी फरवरी में ज्यादा देखने को मिले। अभी तो देखी नहीं, क्योंकि जनवरी फरवरी में देखेंगे कितनी होगी जी। अभी तो बहुत ठीक है, मतलब इतना वो नहीं है मौसम यहाँ पे, ठंड है। तो ये रहा भाई का जो है लाइक इंडिया से माल्टा आने तक का स्ट्रगल, जो भी चीजें है सारा चीज भाई ने शेयर कर दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे, ये भाई जब माल्टा में आया तो जब आया मतलब माल्टा एयरपोर्ट पे लैंड किया, वहां से लेकर के अभी तक इस भाई को जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जॉब के बारे में, कोर्स के बारे में, फीस के बारे में, रूम के बारे में, एवरीथिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में जो है बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।